थाने का सवाल ही नहीं है। वो जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं वो सब ऐसे हैं कि वो गाय पालने के लिए और दूध बेचने के लिए ले जा रहे थे, तो यहाँ गाय ज़िबा नहीं हो रही थी कि जिस पर लोगों ने मारा पीटा किया किसी को भी। वो तो गाय खरीद कर इसलिए ले जा रहे थे कि अपना दूध का धंधा करेंगे, तो अगर ये तो हो तो फिर ठीक है। वो गाय का बच्चे जिस वक्त गाय जन्म दे और उसमें गाय पैदा हो तो उसको उसी वक्त मार दिया जाए कि ना रहेगी, ना दूध का सवाल होगा, ना चारे का सवाल होगा। आरएसएस वालों को इस पर सोचना चाहिए और अपनी हुकूमत को कहना चाहिए कि बछड़ों को तो पालें इसलिए कि वो खेती के काम में आएंगे, लेकिन गाय जो है इसलिए कि ना उनका दूध पिया जा सकेगा, ना दूध पीने के लिए उनको इधर से उधर किया जा सकेगा, तो ज़्यादा अच्छा ये कि जैसे ही पैदा हो उसको उसी वक्त ख़त्म कर दिया जाए। सर एक और है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जो आदेश दिए थे, जीओएन सेक्रेटरी पैनल बना गया है सेंटर की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर। देखिए कानून बनाना और उसके लिए लोगों को तैयार करना अलग बात है, लेकिन कानून पर अमल करना और अमल करवाना वो अलग बात है। हुकूमतें ये करती हैं कि जब किसी मसले को उन्हें दबाना होता है तो वो कमीशन बना देती हैं, कमेटी बना देती हैं, ताकि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए और ये हो कि भाई हुकूमत कमेटी बना रही है और उस पर गौर होगा और आइंदा ये चीज़ नहीं होगी। हमेशा यही होता है, हुकूमत किसी चीज़ को अगर दबाना चाहती है तो उसका यही एक तरीका है कि वो या तो कमेटी बना देती है इंक्वायरी, या कमीशन बिठा देती है, या कानूनी कमेटी बना देती है। इसके लिए असल चीज़ जो है वो ये कि कानून जो बना हुआ है उस पर अमल किया जाए। और अभी ख़ुद केटीएस तुलसी जो हैं आज़ाद, वो कांग्रेस के मेंबर हैं राज्यसभा के, उन्होंने अपना प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की बात की इस तरीके से, और वो एक मशहूर कानूनदा है, तो हुकूमत को देखना चाहिए था कि वो क्या बिल पेश कर रहे हैं, उसकी रोशनी में कानून बनाया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा।